काली चूड़िया सुहागिन महिलाओं के हाथों में खनकती है, जहां जर्रे जर्रे में जिंदा है राजा चंद्रसेन का इतिहास, हम उसी फिरोजाबाद में मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद, और हम आप पहुंचे हैं फिरोजाबाद जिला। फिरोजाबाद जिले को चंदवार नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। बाद में इसे अकबर ने अपने सेनापति फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम फिरोजाबाद कर रख दिया। लेकिन फिरोजाबाद जिले में हाल फिलहाल एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ, और विवाद ये था कि इसका नाम बदल दिया जाए और इसका नाम चंद्रनगर कर दिया जाए। हम यही जानने के लिए कि 5 सालों में फिरोजाबाद की तस्वीर कितनी बदली, लोगों के बीच जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नाम बदलने से क्या विकास की तस्वीर भी बदल जाती है। चलिए हमारे साथ। यहाँ शहरी इलाकों में सड़क तो अच्छी है, पिछले 5 सालों में कुछ फ्लाईओवर भी तैयार हुए, लेकिन जाम सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है। हम फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर मौजूद हैं। ये सबसे व्यस्त इलाका है इस पूरे हिस्से का, यानी फिरोजाबाद जिले का, शहर का। हम यहीं पर लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में उनके लिए तस्वीर कितनी बदली है। जैसे रोडों का काफी विकास हुआ है, कई फ्लाईओवर इस सरकार में बने हैं, सड़कें सही वो हो गई हैं, और जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। राशन पानी मिल रहा है? राशन पानी सही मिल रहा है। गैस चूल्हा मिला सरकार वाला? गैस चूल्हा फ्री वाला? हाँ, फ्री वाला मिला। 5 साल में इधर क्या दिखता है काम के नाम पर, विकास के नाम पर? हाँ, पूरा विकास हुआ है शहर में, सड़कें बनी है, स्वास्थ्य बेहतर अच्छा हुआ है, सुविधा स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज भी बना है, और ये जो कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मुंबई से जब आया, कल रात को आया हूँ आगरा से, यहाँ से यहाँ जो पहले 1.5 घंटा लगता था, मैं 30 मिनट्स में पहुँच गया। इतने रोड अच्छे हैं, नंबर एक। नंबर दो, यूपी में 6 बजे के बाद कभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ये हमें बताया जाता था हमारे हेड से, पर मैं कल रात को 11:30 बजे आया, कोई दिक्कत नहीं आया। 5 साल में कुछ हुआ विकास इधर? काफ़ी हो गया, जैसे सड़क वगैरह टूटी फूटी है, वो बढ़िया बढ़िया सब बन रही है। पिछली सरकार ने लेडीजों के मामले में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब बहुत कुछ किया है। अब अगर कुछ भी लेडीजों के साथ कुछ भी होता है तो सरकार उसको उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो बहुत बढ़िया मिला, बहुत अच्छा। क्या सब कुछ, खाना पीना दाना सब कुछ मिल गया, मकान बना के पैसे दे रहे हैं, और कैसे मतलब तो वही है सर, जैसे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हुई, और हर तरीके से डेवलपमेंट तो है। फिरोजाबाद से बीजेपी से तीसरी बार मनीष असीजा किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सैफुर रहमान और छुट्टन भैया को उम्मीदवार बनाया, बीएसपी ने शाजिया हसन और कांग्रेस ने संदीप तिवारी को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद आकर हम चूड़ियों की फैक्ट्री में ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश की शान में 4 चांद लगाने वाले फिरोजाबाद जिले में पिछले 5 साल में कांच उद्योग के लिए क्या काम हुआ और कैसे रहे ये 5 साल, हम पहुँच गए यहाँ की एक फैक्ट्री श्रीनाथ ग्लास में। फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये चूड़ियाँ भेजी जाती हैं। हम इस वक्त एक ऐसी ही फैक्ट्री में मौजूद हैं, और आप मेरे सामने देखिए, वहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस है। उस फर्नेस में सबसे पहले शीशे को गर्म किया जाता है, जो हम घरों में कांच की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बोतल बेकार हो जाते हैं तब वो यहाँ पर आते हैं। ये क्या हो रहा है प्रोसेस? ये बोतल आ रही है यहाँ से, ऊपर जाके इसकी वॉशिंग हो रही है, उसको तोड़ा जाता है। हाँ, इसको धोया जाता है पूरा, ताकि इसकी मिट्टी गंदगी सब निकल जाए। उसके बाद ये फर्नेस में जाती है, उसके बाद मेल्ट हो जाती है, वहाँ पे मेल्ट की जाती है। सामने आइए, आपको दिखाते हैं चूड़ी कैसे बनती है। ये स्टेनलेस स्टील की एसएस की रॉड होती है, इस पर स्पायरल बनती है कांच की, वही चूड़ी होती है, फिर फाइनली उसको काट दिया जाता है और बाद में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, अभी अभी एक स्पायरल आ रहा है, अब ये स्पायरल इसको निकाल देंगे पूरा बाहर, और ये स्पाइरल रेडी हो जाएगी, ये चूड़ी बन गई। 5 साल में ऐसा कुछ चूड़ी उद्योग के लिए कोई ऐसा बजट में या सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई योजना हम लोगों को मिल नहीं पाई इस तरह से कि हमारा चूड़ी उद्योग तरक्की कर पाए, क्योंकि कोरोना जब हुआ 2-3 साल तो हमारे कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा मंदी रहा। इसी चूड़ी उद्योग में जो काम में आने वाला हमारा जो सोडा है, सोडा एस जो गुजरात से आता है, उसकी रेट हमारे यहाँ रहती थी 24,000-25,000 रुपये प्रति टन, जो आज की तारीख में 4,000 रुपये, करीब 25-40,000 रुपये
की लगभग मतलब 15,000 रुपये टन की बढ़ोतरी अभी 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर हो चुकी है। तो इतनी महंगाई बढ़ने के बाद केमिकल की, नेचुरल गैस की और कोरोना और इसके कारण बाजार चल नहीं रहा, तो वो चूड़ी उद्योग उसको नहीं उसको सेट हो पा रहा उसमें। फिरोजाबाद में 1,55,000 मुस्लिम वोटर, 95,000 वैश्य वोटर, 45,000 जाटो वोटर, 37,000 राठौर वोटर, 20,000 यादव वोटर, 25,000 ब्राह्मण वोटर और 17,000 दूसरी जातियों के वोटर हैं। फिरोजाबाद के बाद हम पहुंच गए इसी जिले के सिरसागंज विधानसभा में। सिरसागंज विधानसभा हॉट सीट बन गई है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव 2017 से इसी सीट से विधायक बने, लेकिन कुछ ही महीने पहले बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सैफई से करीब 100 किलोमीटर दूर सिरसागंज विधानसभा पहुंच चुके हैं। सिरसागंज विधानसभा फिरोजाबाद जिले की विधानसभा सीट है। 2017 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और यहां से हरिओम यादव, ये नाम आप जानते होंगे, हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, वो यहां से विधायक बने थे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। कुछ ही महीने पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सिरसागंज का करहल चौराहा कहा जाता है। 5 साल में और सिरसागंज में क्या क्या काम हुआ, हम यही जानने के लिए इस बाजार में मौजूद कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ। 5 साल में इधर क्या हुआ? सही हुआ, सब विकास हो रहा है, सही चल रहा है, गुंडई दबंगई सब खत्म है, राशन भी मिल रहा है महीने में 2 बार, गैस भी सही मिल रही है और सब व्यवस्था ही सही है। मैं तो कछु ना दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। 5 साल विकास तो हुआ है। जैसे जैसे सभी को अनाज मिल रहा है 2-2 बार। पहिया डेवलप नहीं है, कुछ नहीं है, मिस्त्री तो भूखा मर रहे आज सरकार में। कोई काम भी है भाई? कोई काम नहीं है यहाँ, यहाँ कोई विकास नहीं है। आप देख लो गली गली कूचे कूचे। तो हम तो देख ही रहे हैं, सड़क ठीक है, बिजली के खंभे। अखिलेश के जमाने की है साहब, अखिलेश ने विकास कराया वो है। अरे जी, क्या हुआ 5 साल में इधर? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सड़क, बिजली, ये सब तो दिख रही है, कोई व्यवस्था। नाली नाली फाली तो बनी। गाय और सांड परेशान करते हैं, खाते हैं और क्या करते हैं, बहुत नुकसान है खेती। जानवर हैं इतने कि गायें इतनी हो गई हैं कि फसल तो होने नहीं दे रही। इस समय गेहूं तो आप समझ लो बहुत ना के बराबर रह गया परसेंटेज में, आलू तो है पर गाय तो बहुत परेशान करते हैं। डीजल सर इतना महंगा है, भाड़ा नहीं मिल पा रहे हैं, क्या करें, बेरोजगारी है सोन बहुत ज़्यादा। भाड़े के लिए 800 रुपये दिखाते हैं। 5 साल में इधर कुछ आपको लगा है कुछ बड़ा काम हो गया? नहीं, काम तो यही है, सुरक्षा बढ़ी है। सुरक्षा पहले नहीं थी? पहले तो नहीं थी, पहले भी यही विधायक थे, 2 बार से जीत रहे ना, दे सकते, लेकिन ऊपर से जब सरकार सही होती है तो सुरक्षा बढ़ती है। एजुकेशन के मामले में काफ़ी काम हुआ है, मतलब सरकारी स्कूल वगैरह काफ़ी जो भी चेंजेस आए हैं, और बाकी सबसे मेन बात तो गुंडागर्दी थी जो कम हो गई है। सिरसागंज विधानसभा में ज्यादातर लोग खेती किसानी पर टिके हैं। इलाके में सड़क अच्छी है, नालियां भी बनाई गई, लेकिन लोगों का दावा है कि सड़कें अखिलेश सरकार में ही बनी। लोग पिछले 5 साल की कानून व्यवस्था से भी खुश नजर आ रहे हैं। सिरसागंज में एंटर करते हुए जैसी अच्छी सड़कें हमें मिली थी और जिस तरह से चौड़ी सड़कें थी, वो शहर में आकर हमें ऐसी नजर नहीं आती। आप यहाँ पर देखिए, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत जाम है, लोग इस जाम में हमेशा परेशान होते हैं और इसी वजह से शहर का थोड़ा नक्शा अलग सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम वापस उसी कानपुर में आ गए जैसा कि हमने आपको पहली तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन फिर भी 5 साल में यहाँ पर क्या हुआ, हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहीं पर मौजूद कुछ लोगों से। बहुत बढ़िया काम हुआ। जैसे? जैसे कि मान लो पानी आनी, बिजली बिजली पूरी चल रही है। विकास हुआ है क्योंकि गरीब इंसान लॉकडाउन में कहाँ जाए घूमने, कहाँ जाए, घर बैठे खाया है, इससे अच्छा क्या विकास होगा। बहुत अच्छा काम हुआ है, गुंडागर्दी कुंडल पैर कड़े पाव पे, और अब का अब तो चाहे खूब कहूँ घूमो, चैन पैरो चाहे झुमकी पैरो, खूब फिरो आधी रात में, कोई ना लौट भैया। 5 साल में आदमी भीख मांगे जाए, जैसे कि गाय वगैरह इतनी है, खेतों में कुछ साधन नहीं है, हो रहा है मतलब आदमी परेशान है खाना पीने के लिए, और राशन 10-20 किलो मिल जाता है, उससे क्या हो रहा है। इतना राशन नहीं मिलता, उससे ज्यादा तो गेहूँ खा गए लोग, सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, वो तो वैसे ही खा गई, किसानों को कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। राशन मिल रहा है, टाइम से मकान बने बनाए मिल रहे हैं, 20 साल से किराए पर रह रहे थे, आज मकान मिल रहा है। पेट्रोल 100 से पार पहुंच चुका है, डीजल काफ़ी महंगाई आ चुकी है। कानून सही है, कानून व्यवस्था सही है, पुलिस सुनती है, पुलिस सुनती है, काम होता है यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में। हाँ, 100% होता है। सिरसागंज विधानसभा में 1,20,000 यादव वोटर हैं, करीब 55,000 ठाकुर वोटर, 29,000 लोधी वोटर,
27,000 जाटो वोटर और 25,000 बघेल वोटर्स है। यहाँ कुल मतदाता 3,20,000 के करीब है। सिरसागंज में आलू प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगनी थी जो अभी तक अधूरी है। हम यही के एक बाजार के अंदर गए और लोगों से जानने की कोशिश की कि 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट में वो विधायक को कितने नंबर दे रहे हैं। हम इस वक्त सिरसागंज विधानसभा के संगीता टॉकीज इलाके में मौजूद हैं और ये हरा रोड बाजार कहलाता है। आप देखेंगे ये बहुत व्यस्त बाजार है, यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ आपको नजर आएगी और हर वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अलग अलग चीज़ों की। ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बड़ा छोटे मोटे डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े कोई डेवलपमेंट नहीं सिरसागंज में। सगैया सारे परेशान कर रहे हैं, गड्ढे सड़क पे, खेतों को नुकसान कर रहे हैं साणों से, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसमें गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है? और नाच दे रही 2 महीने में तो काफ़ी लाइट तो अच्छी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। बीजेपी ने मुलायम के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सर्वेश सिंह को और बीएसपी ने पंकज मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद हम पहुंचे फिरोजाबाद की तीसरी विधानसभा शिकोहाबाद। बचने मिलो जी सड़क पर गई है। आप लोगों को कुछ मिला है इधर राशन पानी? राशन पानी यहाँ पे 5 साल में कुछ आपने देखा क्या क्या हुआ? रोड बने हैं, हर चीज बनी हुई, राशन मिलता है, गैस मिलती है, सिलेंडर मिलते हैं। मिला ना हमें जिन्हें खरंजा बनेगा फूटा पाटो सब नाली ना वाली पानी का लड़ाई होती है नहीं। अब देखिए हम शिकोहाबाद के कोठी गांव में मौजूद हैं और ये छोटी सी गली आती है, हालांकि एनएच के ठीक बगल में ये गांव पड़ता है। सामने एनएच है और एनएच के सिर्फ 100 मीटर के अंदर ये गांव पड़ता है और यहां पर आप स्थिति देखिए, नालियां नाम की बनाई गई हैं, यहां पर एक टंकी लगी है। लोग बताते हैं कई परिवार रहते हैं लेकिन कई परिवारों पर बस सिर्फ यही एक टंकी है जो उनके पानी पीने का साधन बनी हुई है। शिकोहाबाद से बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव वर्मा और निषाद को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने मुकेश वर्मा और बीएसपी ने अनिल कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से कभी सैफाई परिवार के चिराग अक्षय यादव सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में समीकरण बदल गया और डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जीत गए। हालांकि उससे 2 साल पहले यानी 2017 से ही सैफाई परिवार छोड़कर बीजेपी पर लट्टू होने वाला फिरोजाबाद 2022 में किसके साथ जाता है ये 20 फरवरी को तय होगा और 10 मार्च को नतीजा आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल गाजीपुर टू गाजियाबाद में बस इतना ही, अगली बार फिर किसी नए जिले से होगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।